भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मल्टी लेवल पार्किंग से 3 महीने पहले मार्च महीने में चोरी हुई बाइक पुलिस तलाश नहीं सकी। उल्टा मालिक के पास हेलमेट नहीं पहनने का ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान भी भेज दिया गया। गाड़ी मालिक के घर शनिवार को जब स्पीड पोस्ट से चालान पहुंचा तो हैरान रह गया। चालान में लगी फोटो में गाड़ी उसी की दिख रही थी। 22 जून को रत्नागिरी चौराहे पर उसकी बाइक को ITMS कैमरे में बिना हेलमेट पहने हुए राइड करते हुए ट्रेस किया गया है। रतनपुर गिरधारी थाना सांची के रहने वाले लखन सिंह दागी निजी कंपनी में काम करते हैं। 23 मार्च को लखन सिंह अपनी भतीजी पप्पी मीणा का इलाज कराने हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। सुबह 11:30 बजे हमीदिया अस्पताल कैंपस में बनी मल्टी लेवल पार्किंग में बाइक पार्क कर अस्पताल चले गए, जहां 4:00 बजे वापस लौटे तो गाड़ी नदारद थी। उन्होंने पार्किंग के कर्मचारियों को बाइक पार्किंग की रसीद भी दिखाई। इस पर कर्मचारी गोलमोल जवाब दिए। CCTV कैमरे में एक युवक उनकी बाइक को ले जाते हुए दिखा, जिसके बाद दांगी ने कोई फिजा थाने पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई थी। लखन ने भोपाल में अपने दोस्तों के साथ 3-4 दिन गाड़ी को ढूंढा, जिसके बाद वो घर चले गए। वहीं 23 जून को उनके पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से चालान पहुंच गया। चालान में 22 जून को 4:25 पर उनकी बाइक को रत्नागिरी पर लगे ITMS के कैमरे में डिटेक्ट किया गया। इसमें एक व्यक्ति उनकी गाड़ी का नंबर लिखी बाइक को राइड करते हुए दिख रहा है। व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना है और ऐसे में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत उल्लंघन करने पर चालान भेज दिया। वहीं मामले में लखन ने आरोप लगाया था कि पार्किंग संचालक की लापरवाही के कारण गाड़ी चोरी होने के मामले की रिपोर्ट लिखाने जब वो कोहे फिजा थाने पहुंचे तो पुलिस वाले भी कहने लगे कि तुम्हारी गाड़ी पुरानी थी, 10,000 रुपए दिला देते हैं, रिपोर्ट मत लिखवाओ, मामले को यही रफा दफा कर दो। मगर लखन इस बात पर अड़ा रहा कि भविष्य में यदि उसकी गाड़ी से कोई क्राइम हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि सीधे तौर पर पार्किंग प्रबंधन जिम्मेदार था। आपको बता दें कि राजधानी में 18 करोड़ की लागत से ITMS के तहत 30 तिराहे चौराहों पर 300 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे यातायात नियम को तोड़ने वाली गाड़ियों को डिटेक्ट करते हैं। वाहनों की लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम में दिखती हैं। बावजूद चोरी के वाहनों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है। बोर्ड ऑफिस चौराहा लिंक रोड 1, लिंक रोड 2, लिंक रोड 3, पिपलानी चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, गणेश मंदिर चौराहा, खानू गांव, VIP रोड, भेल चौराहा, बाग सेवनिया थाने के पास, कोर्ट चौराहा, डिपो जंक्शन, बाणगंगा, चेतक ब्रिज, तिराहा समेत 24 लोकेशन पर कैमरों का जंक्शन बनाया गया है। 6 अन्य लोकेशन पर सीधी रोड पर कैमरे लगाए गए हैं, जो हर पल वाहनों को डिटेक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आज 4 महीने के बाद मेरे घर पर पुलिस चालान आता है कि मैं अपनी गाड़ी से 22 जून को बिना हेलमेट के रत्नागिरी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अभी भी मेरी गाड़ी किसी अज्ञात चोर द्वारा चलाई जा रही है। इसमें कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा अनुरोध है प्रशासन से, इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।